मनीष शर्मा बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। देशभर में एनआईए की छापेमारी, देशभर में 100 से अधिक ठिकानों पर टीम सर्च करने पहुंची है। राजस्थान में भी एनआईए की सर्च, जयपुर, चूरू, अलवर, हनुमानगढ़, गंगानगर समेत अन्य शहरों में एनआईए की टीम की दबिश लगातार जारी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत अन्य गैंगस्टर के ठिकानों पर दबिश और गैंगस्टर के सहयोग और अन्य साथियों के यहां पर रेड लगातार की जा रही है। बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद होने की भी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, एमपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सहयोगी आशुतोष मेरे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशुतोष से हम जानेंगे कि सर्च लगातार जारी है एनआईए का। आशुतोष, क्या अब तक जानकारी सामने आ रही है, ताजा अपडेट साझा करिए। देखिए बिल्कुल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी लगातार धर पकड़ है वो जारी है। पूर्व में दरअसल एक केस एनआईए ने दर्ज किया था कि कैसे जो अलग अलग राज्यों में गैंगस्टर्स हैं उनको फंडिंग हो रही है, और क्या ये फंडिंग टेरर से तो नहीं हो रही, यानी आतंक से आने वाली जो फंडिंग है वो उसमें तो फंडिंग नहीं हो रही है, वहां से किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं हो रही, या ये लोग पैसा कमा के वहां तक तो नहीं पहुंचा रहे, या मादक पदार्थों की जो तस्करी की जा रही है उसके पीछे मेन जो नेक्सस है वो क्या है, स्मगलिंग का जो नेक्सस है वो क्या है, इन तमाम चीजों को लेके एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया था और लगातार एनआईए की तरफ से सर्च कंडक्ट की जा रही है। जहां तक राजस्थान की बात करें तो कुल 18 जगह पे सर्च कंडक्ट की जा रही है, जिसमें जयपुर शामिल है, चूरू शामिल है, अलवर शामिल है, हनुमानगढ़ शामिल है, गंगानगर शामिल है। ये शहर ज्यादातर वो शहर है जहाँ पे सबसे पहले अगर हम मादक पदार्थों की तस्करी की बात करते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ पहुंचते हैं और फिर आसपास के राज्यों में या राजस्थान में उनको बेचा जाता है। साथ में ही लॉरेंस बिश्नोई जो राजस्थान में एक बड़ा नाम बनता जा रहा है, परेशानी का बड़ा सबब बनता जा रहा है पुलिस के लिए, कैसे उस गैंग के कॉन्टैक्ट है, कौन उन लोगों को फंडिंग कर रहा है, ऐसे तमाम जगह पे छापे दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में जो दूसरी स्टेट की अगर बात कर ले, दिल्ली एनसीआर में 32 जगह पर रेड चल रही है, पंजाब चंडीगढ़ की बात करें 67 जगह एनआईए की रेड चल रही है, यूपी में लगभग 3 से 5 जगह पे रेड चल रही है, और एमपी में 2 जगह एनआईए की छापेमारी चल रही है। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, यहाँ के तमाम बदमाशों से आपसी संपर्क है और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हो या इकोनॉमिक सपोर्ट की बात हो, कौन कौन इन लोगों को फंडिंग कर रहा है, इन तमाम चीजों को लेके एनआईए अपने दबिश दे रही है। अच्छा, दबिश दे रही है लॉरेंस बिश्नोई समेत अन्य गैंगस्टर के ठिकानों पर। आशुतोष, ठिकाने कौन कौन से जहाँ पर अभी दबिश लगातार दी जा रही है, और क्योंकि आप फंडिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, कि पता चल पाए कि फिलहाल फंडिंग किससे हो रही है, इनको कोई सूत्र अभी बता रहा है आपको? देखिए अभी तो एनआईए पूरी तरीके से अपनी जो सर्च होती है उसको गुप्त रखती है, और सर्च में क्या कुछ निकल के आया उसको बाद में ओपन किया जाता है। लेकिन जहां तक राजस्थान का आपने पूछा कि कौन कौन से ऐसे जिले संभावित तौर पर हो सकते हैं, चूरू का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वहां पे तेजी के साथ बदमाशों की जो पहुंच है वो बढ़ रही है, जयपुर राजधानी में, जयपुर में बढ़ रही है, हनुमानगढ़ में, नगर में, ये वो जगह है जहाँ पे खासतौर से पश्चिमी राजस्थान, हो सकता है पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले जिसमें जोधपुर शामिल हो सकता है, बीकानेर शामिल हो सकता है, वहां पे भी बदमाशों का बहुत बड़ा जो दखल है वो देखने को मिल रहा है, और आपसी सहयोग के साथ में ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनको कौन फंडिंग कर रहा है और किस बिहाफ पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो पैसा एक दूसरे के लिए एकत्रित कर रहे हैं ये देश के लिए बड़ा खतरा बना हो, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता हुआ जा रहा हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये अपनी जांच कर रही है। अच्छा, जांच कब तक पहुंची है, और ये बताइए आशुतोष की ये सर्च जो टीम लगातार कर रही है कब तक पूरा कर लिया जाएगा? देखिए आज सुबह से ये सर्च कंडक्ट शुरू हुई है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और एमपी में ये तमाम सर्चेस चल रही है। लगभग दोपहर 3 बजे तक ये सर्च है इसको कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद में एनआईए की तरफ से संभावित तौर पे दिल्ली में इस पूरी सर्च को लेकर जानकारी सामने रखी जा सकती है। और जानकारी में क्या बातें निकलकर सामने आएगी आशुतोष, ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आपका शुक्रिया आशुतोष शर्मा तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से, एनआईए की टीम की सादुल शहर में छापेमारी, कई इलाकों में छापेमारी की सूचना मिल रही है। एक युवक को पुलिस थाना लाने की भी सूचना सामने